कटिहार में सुशासन के एक अधिकारी की फिर बेलगाम बोल की ऑडियो तेजी से वायरल हो रही है। दावा है कि ऑडियो कटिहार के बारसोई अनुमंडल के एसडीओ पवन मंडल और ग्राम रक्षा दल के दलपति सुजीत पासवान के बीच बातचीत का है। दरअसल सुजीत बीती रात बारसोई रघुनाथपुर ढाला के पास ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान बाहर से आए कुछ मजदूर एक दुकान में रुककर चाय बिस्किट ले रहे थे। थाना प्रभारी किसी अन्य मामले पर व्यस्त थे। सुजीत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को फोन पर देनी चाहिए, जिस पर अधिकारी बिफर गए और अमर्यादित भाषा में सुजीत से बात करने लगे। आप भी सुनिए कैसे एसडीओ पवन मंडल सुजीत को धमका रहे हैं। रेलवे गुमटी में सर, रेलवे गुमटी में सुधानी पंचायत का 8-10 गो लड़का बस से उतरा और हम लोग सर अभी ड्यूटी में तैनात हैं सर। तो रघुनाथपुर अपना बात के काय में कह रहे हैं थाना प्रभारी के? जी सर। तो अपना बात को काय में कह जो हमको रात में सुना रहा है कहानी? सर यहाँ कोई नहीं है सर ना। तो अपना बात को तुमको कौन कहा वहाँ पर रहने के लिए? हम कह दे रहने के लिए हम लोग सर रघुनाथपुर पंचायत में है सर। अरे तू कहीं पर रहा? तू दलपति है आप दलपति, हम तुमको कहाँ बारात करने के लिए? हम सर आपसे आदेश ले रहे हैं सर। क्या किया हमसे आदेश क्या ले रहा है? तू कौन होता है हमसे आदेश लेने वाला? तू हमारा कर्मचारी है? नहीं सर, हम तो समाज का है सर। तू हमारा कर्मचारी है रे सर। कौन जो तुमको दलपति बनाया उसको बोल दिमागे सही कर देंगे। तुम रात में अंत दलपति बन गया, सबसे पैसा चलता रहा था, हमको नहीं मालूम है। हम लोग सर पैसा कहाँ सर किसी दे सकते हैं सर? ये सर हम लोग निःशुल्क सर। रात में तुम क्यों किया हमको रे? हम लोग सर निःशुल्क कर रहे हैं सर। नहीं तुमको रहता है जो थाना प्रभारी, तो तुम उसको ना फोन करेगा कि हमको करेगा रे? सर थाना प्रभारी सर यहाँ नहीं है सर, क्षेत्र में किया सर। ये नहीं है तो तू अपना नाना से फोन कर, बाप ना है तो नाना से फोन कर, एसपी को फोन कर जो तुमको रखा है वहाँ पर। सर सॉरी सर। जिला कटिहार प्रखंड बारसोई और हम दलपति हैं बारसोई रघुनाथपुर के। जो कल रात में 9:15 हम लोग ड्यूटी कर रहे थे यहाँ बारसोई मिडिल स्कूल में, हम लोग का आईटी सेंटर क्वारंटाइन सेंटर पड़ा है। हम लोग 3 शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं और 3 सेंटर पड़ा है, एक मोल्लापुर, एक आईटीआई और एक आदर्श मध्य विद्यालय। तो सभी जगह में हम लोग ड्यूटी डिपोज करने वाले जो है कि हम लोग मैसेज मिला हमको कि बारसोई रेलवे गेट में बस से 10-12 व्यक्ति उतरे हुए हैं, एक दुकान के अंदर में जो है कि घुसकर चाय बिस्किट दुकानदार दे रहा खाने के लिए। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग दौड़ के गए 5 बंदा और जाने बाद देखते हैं कि ये लोग पानी वानी पी रहे। तो हम लोग डांट उठ के उनको बाहर किए तो दुकानदार जो हम लोग पर आरोप डाल दिया कि आप लोग क्या लूटने आए हैं दुकान के यहाँ पर। तो हम लोग जो है कि मेरा जो है कि मन तो टूट गया। तो हम जो है कि बोले कि थाना प्रभारी को फोन करते हैं। तो थाना प्रभारी की जब हम फोन किए, फोन करने के बाद थाना प्रभारी जो है कि दूसरा क्षेत्र में थे, तो जो है कि हम एसडीओ साहब को फोन लगाए। पहला तो हम इस समाज का लड़का है, बाद में हम ग्राम रक्षा दल है, तो हम एसडीओ साहब को मेरा उचित बना। तो हम एसडीओ साहब को फोन किए तो एसडीओ साहब मेरे साथ बस लुकी करने लगा और गाली गलौज से जो है कि देने लगा, गाली गलौज देने लगा। तो जो है कि ऐसा ऐसा रब रब गाली देने लगा। तो हम जो है कि बोलता कभी जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे, कौन बाप तुमको लगा रहे ड्यूटी में, किसका आदेश में ड्यूटी कर रहा है, कौन नाना का आदेश में, जाओ डीएसपी से, डीएसपी दिया डीएसपी से बात करो, थाना प्रभारी से बात करो। और हम पर मानहानि केस ठोकरा, मानहानि का दावा दे रहा है कि तुम लोग जो निःशुल्क, हम लोग निःशुल्क ड्यूटी कर रहे हैं सर, और हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग रोड में टैक्स असूलता है, रंगदारी असूलता है, हम लोग का मनोबल तोड़ा, मनोबल बढ़ाना चाहिए और हम लोग का मनोबल तोड़ा। किस आधार पर हम लोग ड्यूटी करेंगे सर बताइए? हम लोग साथ निःशुल्क भावना से आज 22 मार्च से ड्यूटी कर रहे हैं, आज 22 मार्च से ड्यूटी करे, तीसरा लॉकडाउन खत्म गया, चौथा लॉकडाउन ढुक गया सर। हम लोग किस आधार, आज मेरे साथ होगा, कल होगा, किसी ग्राम रक्षा दल के साथ हो सकता, स्वयं सेवक के साथ हो रहा। हम लोग बैंक इलाहाबाद बैंक में निःशुल्क भावना से वहाँ ड्यूटी दिए हैं, पंचायत में दिए 2 महिला को, बताइए सर हम क्या करेंगे? इस तरह से अगर प्रशासन हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं साथ देगा, तो हम किसके आधार पर हम लोग ड्यूटी करेंगे बताइए? हम लोग निःशुल्क भावना से तो कर ही रहे हैं सर। न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ग्राम रक्षा दल के दलपति के जो आरोप हैं वो संगीन हैं, जिससे साफ है कि ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी किस तरह बेलगाम हो चुके हैं, वो अपने से छोटे कर्मियों से किस तरह का बर्ताव करते हैं। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम सुंदर मिश्रा की रिपोर्ट।